गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट, उसके ऊपर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे जाएंगे। तो आज हम करेंगे सिंपल वर्ड वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे करना है, मान लीजिए इसमें लिख लीजिए इफ एन वन बी थ्री न्यूमेरिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम। मैंने क्या कहा है, n1 bd न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन वन सिस्टम और u1 bd यूनिट एंड u1 bd यूनिट यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, तो वन सिस्टम जो भी होगा तो देयरफॉर u1 कितना होगा आपको, ये होगा यूनिट क्या होगी एम एल टी में होगी, मान लीजिए 1 1 1 है और ए बी सी। ठीक है, ये ले लिया, क्लियरेंस हो गया आप लोगों को। हमने कहा कि इफ एन वन बी न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक सिस्टम है और यू वन उसकी यूनिट यूज हो गई है। और सिमिलरली इफ एन टू बी बी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम में होगी तो एंड यू टू बी दी यूनिट यूज, तो देयरफॉर क्या होगा यू टू मिल जाएगा एम टू एल टू टी टू ए बी सी आर। ठीक है, तो इसकी यूनिट कौन सी यूज होगी, एम टू एल टू टी। तो अब आप क्या करोगे, देन सो देन आप लोगों ने देखा क्या होगा एम वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू। तो यहां से आपको निकालना क्या है, एन टू सेकेंड सिस्टम में जाना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आएगा एन वन यू वन बाय यू। ठीक है, तो यहां से एन वन मिलेगा, यू वन क्या है एम वन एल वन टी वन ए बी सी और एम टू एल टू टी टू सी बी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे एल वन एम वन बाय एम टू पावर ए, एल वन बाय एल टू पावर बी, टी वन बाय टी टू पावर सी, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है जिसमें आपने कन्वर्शन करनी है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो देखिए आज हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को अच्छे से क्लियरेंस हो जाएंगे। तो देखिए यार, मैं जैसे क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई कन्वर्ट करो वन जूल इनटू अर्ग्स। तो देखिए ये जो अर्ग्स है ये आपका एसएक्सीजीएस यूनिट है और जूल आपका एसआई यूनिट है, एनर्जी का है, वर्क क्या है, आप उनको क्वेश्चन सब देखोगे, सिंस लिखोगे कि भाई जूल इज दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इसका ऐसा ही लग गया वर्क। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला पर वर्क क्या होगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l2 t minus, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला पर वर्क। तो यहां पे आप लोगों ने हमारे पास देखिए, हमारे पास ये भी क्लियर है कि n1 हमारे पास 1 है क्योंकि कन्वर्ट 1 ही 1। ठीक है, m1 है, n2 को मुझे करना है फाइन। तो सिंस आप लोगों को पता है कि भाई n2 कितना होता है, एन वन एम वन एम टू पावर ए, भाई देखिए ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, ज्यादातर ए वन है, बी टू है, सी माइनस टू है। तो आएगा वन एल वन बाई एल टू पावर टू, फिर आएगा टी वन बाई टी टू पावर माइनस एल टू। तो यहां पर आपने देखा, अब देखो यहां पर पहले से हमने लगा दिए, अब हम क्या करेंगे यहां पे
एक्सपीरियंस हो गया होगा कि यू ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का, इसलिए हमारे पास ये जो वैल्यूज होती है इसकी डायमेंशन होती है, इन्हीं यही फॉर्मस होती हैं, तो जिनको हम कहते हैं ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एस आई सिस्टम और सी जी एस सिस्टम। यहाँ पे लिख दिया हमने एस आई सिस्टम, यहाँ लिख दिया सी जी एस सिस्टम। ठीक है, तो एस आई सिस्टम में देखो जो एम वन मास किसमें लिया जाता है, केजी में, और मास यहाँ पे किसमें लिया जाता है, ग्राम। ठीक है ना, एस आई सिस्टम में हम अगर किसी दुकान पे या कहीं पे लेके जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, तो केजी में लेते हैं। तो अगर हम उसी को हम स्मॉल यूनिट में देखें, जैसे हम गोल्ड लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो ग्राम में लेते हैं, वही है। तो एम एल वन किसमें है, मीटर में, और ये एल टू कितना है, सेंटीमीटर में। टी वन कितना है, आप टी वन वन बना सकते हो। तो टी वन देखो टाइम यूनिट क्या रहती है, ये सेकेंड ही रहती है, टाइम एस आई यूनिट, सी जी एस यूनिट, एम पी एस क्या रहेगी, टाइम की सेकेंड रहेगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, तो देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर एन टू इज इक्वल टू बन जाएगा वन, एम वन कितना बन गया के जी अपॉन ग्राम, एल वन मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर टू सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर माइनस। ये चीज आपको क्लियर होगी क्योंकि हमने ऐसे सिस्टम से कहां जाना है, सीजीएस सिस्टम में कहां जाना है, ऐसे ही से हमने जाना है सीजीएस सिस्टम। सो इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा एन टू बिकम्स, ये एन कितना है, ये वन है, एन वन कितना है हमारे पास, वन वन इंटू एक के जी में हजार ग्राम के नीचे ग्राम आ गए, और यहाँ पे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे सेंटीमीटर है, पावर स्क्वायर है, और यहाँ पे वन सेकेंड, तो ऑब्वियसली वन सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, पावर माइनस टू थ्री तो वन ही रहेगा, तो ये आएगा हज़ार। ठीक है, दो जीरो है तो 100 को टू टाइम मल्टीप्लाई करो, 100 × 100 तो मिल जाएगा 10,000। ठीक है, तो आएगा 10,000 ठीक इंटू आ जाएगा वन, तो ये आएगा 10^3 × 4 = 7। तो ये था आपकी कन्वर्शन। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियरेंस है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।